हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हो विकीटेक 93। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, ये है हाइड्रोमेटिक का कंट्रोल पैनल। ये पैनल जो है इधर दिख रहे हैं, इन दो मोटर को कंट्रोल कर रहा था। ऑन ऑफ करने का काम भी वो पैनल कर रहा था और पाइपलाइन में प्रेशर मेंटेन करने का काम भी ये कर रहा था और वाटर लेवल टैंक में वाटर कितना है, वाटर डाउन है क्या, अप है, पूरा सिस्टम इस डिस्प्ले पे ऊपर दिख रहा था। लेकिन क्या हुआ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया तो ये काम करना बंद हो गया। और सिस्टम चालू करने के लिए हमने एक ऐसा जुगाड़ बना दिया है जिसके मदद से अभी बहुत सारा आप भी ऐसा जुगाड़ करके पैसा भी बचा सकते हो और सिस्टम को टेम्परेरी चालू भी कर सकते हो। और क्या है, ऐसा नहीं कि ये मैंने कल पैनल ख़राब हो गया, ये जुगाड़ बना दिया। ये जो है पूरा एक महीने का ट्रायल होने के बाद ही वीडियो मैं बना रहा हूँ। अभी वीडियो में देखिए जुगाड़ क्या किया है हमने। हमने क्या किया है, ELCP के थ्रू दो कॉन्ट्रैक्टर लगा दिया है। एक कॉन्ट्रैक्टर एक मोटर के लिए है, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर दूसरे मोटर के लिए है, ठीक है। लेकिन हमने फिलहाल एक ही मोटर पे काम चला रहे हैं। और कंट्रोल कैसे हो रहा है अभी, ये वाला प्रेशर स्विच जो लगा है इसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है। जो भी ऑन ऑफ करने का काम है ये प्रेशर स्विच कर रहा है। हमको पाइपलाइन में कितना प्रेशर चाहिए उतना ही हमने सेट किया है। प्रेशर रेंज भी सेट किया है और डिफरेंशियल भी सेट किया है। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, ये वाला जुगाड़ वाला सिस्टम काम कर रहा है। जैसे ये वाला पैनल कर रहा था सेम वैसा ही कर रहा है। तो दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।